वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों हम लोग एक मेडिकल कॉलेज है जो यहाँ पर टोटल 21 मेडिकल कॉलेजेज है जिसमें MBBS पढ़ाया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो उस हेराफेरी में आज हम लोग बात करने वाले हैं काठमांडू यूनिवर्सिटी की एक मेडिकल कॉलेज जिसका नाम है नोबल मेडिकल कॉलेजेस, और इस कॉलेज को जो सेंट्रल कॉलेजेज है वो काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज है। तो हम लोग नोबल मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं इसके नोबल मेडिकल कॉलेजेस जो है उसमें बता दूं, इस साल कितने रैंक तक की बच्चे को एडमिशन हुई, टोटल 8500 समथिंग बच्चे ने पास आउट किया था, क्वालिफाई किया था। यहाँ पर नेपाल में मेडिकल एजुकेशन कॉमन की जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है उसको, और यहाँ पर जो नोबल मेडिकल कॉलेजेस में है टोटल 4252 रैंक तक के बच्चे को एडमिशन मिला है। तो इसमें आप इस कॉलेज को टॉप 10 में भी नहीं रख सकते हो, लेकिन आपको ये कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ले सकते हो, लेकिन टॉप 10 में नहीं है, इसका पोजीशन टॉप 10 में नहीं है। तो सो फाइनली शुरू करते हैं, वो तो रही उसमें, तो इसमें किस बेसिस पर कितने बच्चे लिया, इसके क्लाइमेटिक कंडीशन अभी देखेंगे, उसके बाद इसमें जो पेशेंट फ्लो होता है वो सारी चीज़ें में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूँ जो नोबल मेडिकल कॉलेज जो है उसका लोकेशन जो है आपको विराट नगर में है, और विराट नगर में इसकी लोकेशन है, और वहाँ पर विराट ही नगर में दो ठो मेडिकल कॉलेजेस है, एक नोबल मेडिकल कॉलेज हो गई, एक विराट मेडिकल कॉलेज हो गई, और उसके सबसे उसी के पास कुछ डिस्टेंस पर इसका सबसे नेपाल के लार्जेस्ट हॉस्पिटल बीपी कोराला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है जो कि धरान में है। तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो पेशेंट होता है वो धरान लेकर चल जाता है,
और दो ठो कॉलेजेज हो गई विराट और नोबल, तो ये दोनों में जो फैशन फ्लो है डिवाइड हो जाता है। तो जिसके कंपेरिजन में बात करोगे तो थोड़ा कंपेरेटिवली बीपी कोरियाला से तो काफ़ी कम, और बाकी जो दूसरे कॉलेजेज है जैसे कि काठमांडू मेडिकल कॉलेजेज हो गई, यहाँ की काठमांडू के चितवन मेडिकल कॉलेज हो गई, CMC हो गई, कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज हो गई, मणिपाल हो गई, ये कॉलेजेज सबकी कंपेरिजन में नोबल की जो फैशन फ्लो है वो थोड़ा कम है। आप बिरगज के भी ले सकते हो, नेशनल मेडिकल कॉलेजेस उससे भी थोड़ा कम ले सकते हो। तो क्योंकि बिरगज में जो है उधर एक ही है मेडिकल कॉलेजेस, लेकिन बिरगज में हालांकि काफ़ी सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल सब आ गई है जो कि नेशनल मेडिकल कॉलेज है उसको पेशेंट फ्लो में थोड़ा कमी ले आ देता है, मीन्स उसके डिक्रीज कर देते हैं ग्राफ के। तो ये रही बात है पेशेंट फ्लो की, और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी अच्छा है ये जो मेडिकल कॉलेज है नोबल मेडिकल कॉलेज, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर्स में अच्छा है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर का वीडियो देख सकते हैं, मैंने लगा दूंगा पीछे भी है और आगे भी। उसके बाद आपको यहाँ पर नोबल मेडिकल कॉलेजेस में जो फैसिलिटियाँ है खाने रहने की वो सब चीज़ आपको अच्छा मिल जाएगा। अगर सपोज आप इंडियन हैं या तराई बेल्ट से जो बिलोंग करते हैं तो आपको तराई लेवल की खाना मिल जाएगा। थोड़ा जो बच्चे हिली रीजन से और हिमालय रीजन से जाते हैं उन लोगों को थोड़ा यहाँ पर खाने के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन जो बच्चे फॉरेन से आते हैं इंडियन से आते हैं उनको इंडियन स्टाइल में खाना टोटली मिल जाएगा, खाना रहना और क्लाइमेटिक कंडीशन भी इंडिया की जो बिहार स्टेट है उसके अनुसार से यहाँ पर। अब आते हैं कि जो नोबल मेडिकल कॉलेजेज में कितने सीटें खाली हो गई, तो आप नोबल मेडिकल कॉलेजेज में इस साल की बात कर रहे हैं तो नोबल मेडिकल कॉलेजेज में टोटल 2 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, और जिसमें से मैं एक स्टूडेंट को पहचानता हूँ और एक स्टूडेंट्स को मैं नहीं जानता। तो यहाँ पर टोटल 33 सीटें में सिर्फ 2 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, और एग्ज़ाम के बेसिस में तो इसमें कोई भी बच्चा नोबल में नहीं गया है। नो वन हैज़ गॉन टू नोबल ऑन द बेसिस ऑफ एग्ज़ाम मीन्स फॉरेन टू अपीयर MSc BL। और नोबल का जो बच्चा गया है 2 बच्चे, तो उसमें से मैंने बोला एक को मैं तो जानता हूँ और उसको नीट के स्कोर कार्ड पर गया है, और एक को मैं पहचानता नहीं हूँ वो भी नीट ही का स्कोर कार्ड पर गया है। उसके बाद आते हैं दोस्तों कि जी नोबल की जो फी है वो क्या है। तो नोबल के जो फी है वो काठमांडू यूनिवर्सिटी में लाई करता है, और काठमांडू यूनिवर्सिटी का जो मीन्स डायरेक्टरी बॉडी है या सेंट्रल कॉलेज बोल सकते हैं, फी रेगुलेशन करना और बाकी सारे जो डायरेक्शन देना वो सेंट्रल कॉलेज में आता है, काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज। और काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज ने इसकी जो काठमांडू यूनिवर्सिटी के लिए फ़ी जो कमेटी के द्वारा डिसाइड की गई है वो आपको $75,000 पे करना चाह रहे हैं तो $75,000 पे कीजिए, नहीं तो आप इंडियन करेंसी में पे करना चाह रहे हैं तो आपको 55,31,250 रुपया पे करना पड़ेगा, जो कि इस नोटिस के अनुसार मैं बता रहा हूँ। आप www.qsmes.edu.np पर जाकर भी लॉग इन कर चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिर इसमें क्या है, अगर नेपाली करेंसी में पे करना चाह रहे हैं तो आपको 88,50,000 रुपया पे करना पड़ेगा, और जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है यहाँ पर तो आपको टोटल 18,43,780 रुपया पे करना पड़ेगा, और उसी तरह से आपको नेपाली करेंसी में पे करना चाह रहे हैं तो आपको 29,50,000 रुपया पे करना पड़ेगा, अगर आप डॉलर में पे करना चाह रहे हैं तो $22,500 आपको पे करना पड़ेगा। तो ये रही फी स्ट्रक्चर की बात। अब आप फाइनली मैं बता दूं कि जे आप अगर एज ए फॉरेन नोबल को डिस्टिनेशन बना रहे हैं तो आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन वहीं पर रहने और खाने में आपको कोई कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नोबल इज ऑफरिंग यू बेस्ट क्वालिटी ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड एंड फूड। तो ये बातें हो गई, और वहाँ पर थोड़ा नोबल इज ट्राइंग टू ऑफर यू बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बट स्टिल इट हैज नॉट अचीव्ड। On my experience, I am saying through the rank of the students who has gone to medical education and on the continuous means communications with the students who are reading in Nobel medical colleges and other medical colleges in Nepal.
तो इसके अलावा आते हैं आप नोबल, अगर आप फॉरेन कोटा में है तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इफ़ यू आर गोइंग विथ नियरेस्ट एंड हैव फूड हैबिट देन नोबल विल बी द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन एंड कंपेयरिंग नोबल विथ अदर मेडिकल कॉलेजेस देन यू विल गो टू सम वन अदर्स। सो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे और सी यू इन नेक्स्ट वीडियो with next topic and with more informations regarding the colleges. And in Nobel, not only the MBBS is taught, but other programs were also taught. You can study here BDS, BSc Nursing and extra all. Here also MD CT has been allotted. You can check the PDF on the website of Medical Education Commission www.mac.gov.np.